रहीम, वेलकम टू द लास्ट सेशन। इस सेशन का हमारा जो मेन गोल है वो थोड़ा सा आइडिया लेना है कि हम बिल्ड कैसे जनरेट करेंगे और बिल्ड के लिए जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफिक्स हैं उसके लिए कुछ थोड़े बहुत टूल्स हैं वो आपको दिखाना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल्ड्स जो हैं वो क्या क्या है। एक तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर एपीके है, तो एपीके में फिर हमारे पास एक होता है फेट एपीके और दूसरे हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स। अच्छा, तो एक हमारे पास है एपीके एंड दूसरा हमारे पास है एप बंडल्स। अब राइट नाउ जो अभी करंटली जो यूज होते हैं ज्यादातर वो हमारे पास एप बंडल्स यूज होते हैं। उसकी एक हमारे पास एक खास वजह है और वो ये है कि असल में इनका हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो जब हम अपलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे तो वहां पर इसका जो डाउनलोड साइज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके ऐप के डाउनलोड नंबर ऑफ डाउनलोड्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारे पास जब हम स्टार्ट में एपीके जनरेट करते हैं, अक्सर आप देखते हैं ना जब आप एपीके जनरेट करके अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। सो वो एक्चुअली हमारे पास फेट एपीके होता है। अब फेट एपीके में क्या होता है, अब हमारे पास डिफरेंट फोन हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर हैं। हमारे पास जो है ना हुआवे के फोन हैं, सैमसंग के हैं, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अब हर एक प्रोसेसर जो है उसका अब हर एक जो प्रोसेसर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए अब हमारे पास जब बिल्ड जनरेट होता है तो उसमें जो कोड होता है वो हर एक फेट एपीके में इस तरह होता है कि आपके पास जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है ना हर एक के लिए उसमें कोड मौजूद होता है, मतलब वो एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए नहीं होता। तो उसकी वजह यह है कि लेट सपोज 10 आर्किटेक्चर वो सपोर्ट कर रहा है तो उसमें आपके एपीके में जो आपका जो जो बाइट कोड होता है वो 10 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए वहां पर मौजूद होता है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो फेट एपीके होता है उसका साइज काफी ज्यादा होता है। अब हमारे पास सपोज अगर आपने स्पेसिफिक और फिर ये होता है अगर आप फेट एपीके जनरेट कर सकते हैं तो आप इस सेम एपीके को जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के फोन थे सब पे ये फेट एपीके चलेगी, सही है। बट उसमें फिर ये है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि अगर आपने साइज ऑप्टिमाइज करना है तो फिर हम स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए उसको बिल्ड जनरेट करते हैं। तो उसका मैं अभी आपको तरीकेकार बताऊंगा। उसका भी आपको मैं तरीकेकार बताऊंगा इंशाल्लाह। जब हम एक्चुअली यहाँ पर बिल्ड जनरेट करेंगे तो वहां पर आपको मैं वो सारे ऑप्शंस बता दूंगा कि किस तरह हम एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर लिए हम किस तरह एपीके जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें मसला होता है कि आप स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए एपीके जनरेट करें तो वो तमाम फोन्स पे नहीं चलता, वो सिर्फ उन फोन्स पे चलता है जिसका प्रोसेसर उस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। So this is about little bit about specific architecture and then हमारे पास एक दूसरा option है app bundles का। अब app bundles का जो option है app bundles में हमारे पास इस तरह होता है कि आपके जो different apks का code है उसका एक bundle generate हो जाता है। उस bundle के अंदर क्या होता है, वो bundle जब आप Google Play Store पे upload करते हैं तो let's suppose मेरा फोन जो है ना वो Samsung का है, वो एक specific architecture का प्रोसेसर सपोर्ट करता है, सही है। तो मैं जब गूगल प्ले स्टोर पे जाऊंगा अपने फोन से तो वो वहां पर मुझे जितने और डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनका कोड मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं करेगा, सही है। वो क्या करता है, गूगल प्ले स्टोर जो है वो ऐप बंडल को उठा के उसको डिफरेंट एपीकेस में डिवाइड कर देता है, मतलब वो उसको डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर के एपीकेस में डिवाइड कर देता है। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपकी आपकी जो आपके जो प्रोसेसर की आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर के पास होती है। सो उस टाइम पे वो आपको जस्ट आपके फोन का स्पेसिफिक एपीके आपको इंस्टॉल करके देता है। और जब आप वहां पे जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे तो वो साइज भी आपको बहुत कम बता रहा होता है, वो स्पेसिफिक आप मतलब आपके फोन के लिए जो स्पेसिफिक एपीके जनरेट हुआ है गूगल प्ले कंसोल में तो आपको वो एपीके जो है ना वो वहां पर दिखाएगा, मतलब हर एक आर्किटेक्चर का आपको
वहां पर उसको उसका साइज मेंशन नहीं होगा, जस्ट आपके फोन का जो स्पेसिफिक एपीके होगा, जो ऐप जो गूगल प्ले कंसोल है वो ऑटोमेटिकली खुद ऐप बंडल से जनरेट करेगा, तो जस्ट आपको वो वहां पे दिखेगा। तो फिर जब वहां से ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका साइज काफी कम होगा एज कम्पेयर टू फैट एपीके एंड स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो एपीके है, सही है। तो इसको मैं थोड़ा एक बार और रिपीट कर दूं, एपीके हमारे पास क्या होता है, एपीके में हमारे पास असल में जो आपका फेट एपीके होता है उसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स का कोड होता है, तो उसकी वजह से उसका साइज काफी ज्यादा होता है। अगर आप स्पेसिफिक आर्किटेक्चर का एपीके जनरेट करना चाहें तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं, बट उसमें मसला ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में चलेगा, सही है। मतलब सपोज मेरे पास सैमसंग फोन है A10 है, तो उसका जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है ना, लेट सपोज आपको मैं यहाँ पर बता दूं, सैमसंग A10 प्रोसेसर आर्किटेक्चर, यहां पर आप आएंगे ना तो आपको यहां पर प्रोसेसर के सेक्शन में सीपीयू कौन सा है ये देखें, अब इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, ARM कॉर्टेक्स A73। अब ये इसका जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है ये आर्किटेक्चर है, ARM आर्किटेक्चर से है ये, सही है। लेट सपोज मैं जाता हूं हुआवे का, हुआवे प्रोसेसर अच्छा, तो हुआ पे भी मेरा ख्याल में वही सेम ARM की आर्किटेक्चर यूज करता है, सही है। अब ये देखें इसका जो आर्किटेक्चर है V8A है, सही है। तो अब वहां पर जो पिछला मैंने देखा था उसको उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो अब इस स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए अगर आप APK जनरेट करेंगे स्पेसिफिक, तो वो सिर्फ इस आर्किटेक्चर के फोन पे चलेगा, वो हर एक फोन पे वो APK इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसकी वजह से अक्सर हम क्या कर देते, पहले हम फेट एपीके जनरेट कर देते और फेट एपीके का साइज काफी ज्यादा होता था, तो वो डाउनलोड साइज काफी ज्यादा हो रहा था स्टार्ट में, तो अक्सर जो है ना आपकी जो डाउनलोड्स है उसकी वजह से मिस हो जाता था। अभी हमारे पास जो ऐप बंडल आया हुआ है, ऐप बंडल में ये होता है आपका कोड जितने एपीके हैं सबके लिए होता है, बट गूगल प्ले कंसोल क्या करता है, जब आप अपना ऐप बंडल वहां पर अपलोड करते हैं गूगल प्ले कंसोल पर, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन करके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए वो डिफरेंट स्मॉल स्पेसिफिक टू द आर्किटेक्चर एपीके जनरेट कर देता है। तो जब कोई वो लेट सपोज मैं अपने फोन से एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के फोन से मैं गूगल प्ले पे जाता हूँ, तो वो मुझे वहां पर सिर्फ मेरे फोन के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के एपीके का जो साइज है वो बताएगा, और वो इंस्टॉल करके मेरे फोन में वो वही जो स्मॉल साइज है वो इंस्टॉल करेगा। सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंस अबाउट APK एंड ऐप बंडल्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस थिंग इज अ बिट कंफ्यूजिंग, दिस थिंग नीड्स टू बी क्लियर, तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो नेक्स्ट हम आते हैं, आई होप सो कि ये APK और ऐप बंडल का जो डिफरेंस है मैं वो क्लियर है। फिर हमारे पास है, अभी हमने APK जनरेट करना है, सही है, बिल जनरेट करना है, तो अभी हम आते हैं यहाँ पर बिल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी तरफ हम आते हैं। ओके अच्छा, अब हमारे पास राइट नाउ मैं जब मोस्टली बातें कर रहा हूँ मैं एंड्रॉयड के टर्म में बातें कर रहा हूँ, सही है। वो iOS की जो बातें हैं वो फिर हम देखते हैं कि वो इस सेशन में पॉसिबल होती है या नहीं होती, बट उसमें इतनी ज्यादा बातें उसमें नहीं होती, उसमें इससे भी ज्यादा बातें हैं, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी डिफरेंट है। सो राइट नाउ जब हम बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं राइट नाउ। अच्छा, हमारे पास जो बिल्ड जनरेट होते हैं, हमारे पास जो APK जनरेट होता है, उसमें हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के APK जनरेट होते हैं। एक हमारे पास डिबग होता है, एक प्रोफाइल होता है, एक रिलीज होता है, सही है। डिबग हम किस लिए यूज करते हैं, डिबग में असल में हम जब आप जब अपने लैपटॉप से फोन कनेक्ट करते हैं और वहां पे रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो उस केस में आपका जो डिबग APK है वो जनरेट होता है और आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। अब असल में डिबग APK में बहुत सारी चीजें होती है, इसमें आपका जो डिबगिंग का प्रोसेस है वो इनेबल्ड होता है, और ये असल में ऑप्टिमाइज नहीं होता, कंपाइलेशन इज ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट डेवलपमेंट एंड रन साइकल्स, सही है। ये असल में ये जो डिबग APK होता है ये
फास्ट डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमाइज होता है, सही है, नट फॉर एग्जीक्यूशन स्पीड, बाइनरी साइज एंड डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट के लिए असल में नहीं होता, ऑप्टिमाइज नहीं होता, सही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास प्रोफाइल एपीके है, प्रोफाइल बिल्ड है, प्रोफाइल मोड है। प्रोफाइल में क्या होता है, प्रोफाइल में मोस्टली हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, जो डेफ टूल्स है ना, मुख्तलिफ डेफ टूल्स पे आप टेस्टिंग करते हैं उसको हम प्रोफाइलिंग बोलते हैं। ये काफी असल में आप जब अपने फोन की अपने ऐप ऐप की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बाय परफॉर्मेंस आई मीन क्या चेक करते हैं कि ये मेमोरी साइज कितना ले रहा है, ये प्रोसेसर कितना ले रहा है, तो इन चीजों की प्रोफाइलिंग के लिए पर हम यूज करते हैं जो प्रोफाइल बिल्ड यूज करते हैं, सही है। तीसरा हमारे पास है रिलीज बिल्ड, रिलीज मोड का जब बिल्ड जनरेट करते हैं, तो रिलीज मोड का हम जब जनरेट करते हैं ये स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज होता है फॉर फास्ट स्टार्टअप, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड स्मॉल पैकेज साइज। तो ये हमारे पास असल में उसमें डिबगिंग भी डिसेबल्ड होती है, तो उसकी वजह से उसका साइज भी काफी कम होता है। जब आप डिबग बिल्ड जनरेट करते हैं उसका साइज काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिलीज वन, सही है। और फिर हमारे पास बिल्ड किट दो टाइप्स है जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किए थे एंड्रॉइड के लिए, एक हमारे पास एपीके है और दूसरा हमारे पास एप बंडल है, और वो दोनों चीजें भी काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, सही। अच्छा अच्छा अगर आप अपना एप्लीकेशन रन करते हैं रिलीज मोड के लिए, असल में बास टाइम अपना एप्लीकेशन ऐप बना देते हैं रिलीज मोड के लिए, उसका एपीके भी जनरेट कर देते हैं, बट हम राइट नाउ जब हम टेस्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे ऐप की परफॉर्मेंस कैसी है, लेग तो नहीं कर रहा चीज़ों में, क्योंकि डिबग मोड में हमारा ऐप की परफॉर्मेंस तरह नहीं होती, काफ़ी वो उसकी लो परफॉर्मेंस होती है, हमारे ऐप की रिस्पॉन्स भी उसका लो होता है। तो अगर हम चेक करना चाहें कि यार इसकी परफॉर्मेंस रिलीज मोड में किस तरह होगी, तो आप जस्ट अपने जिस तरह आप फ्लटर रन करते हैं ना, तो आप जस्ट उसके साथ फ्लैग लगा दें, जो टैग लगा दें डैश रेट रिलीज का, तो वो रिलीज मोड में रन हो जाएगा, तो फिर आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ओके सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट फ्लटर बिल्ड मोड्स का, सही है, कि हमारे पास डिफरेंट कौन से मोड्स बिल्ड मतलब कौन से बिल्ड जनरेट होते हैं, सही है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिलीज बिल्ड जनरेट करना, सही है। इसमें साइनिंग की कुछ बातें हैं, जस्ट वो आपसे डिस्कस करनी थी। सो लेट्स सपोज हमारा जो ऐप है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि वो आपको क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, इससे मैं ये डिलीट कर दूं। अच्छा तो अभी हम मोस्टली डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं एंड्रॉइड के अंदर, वो आपको जो समझ आनी चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। एक हमारे पास है यहाँ पर ये बिल्ड और ग्रेडल, सही है, इम्पोर्टेंट फाइल्स ये हैं। एक हमारे पास ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें सारी बिल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें होती है। सेकेंड हमारे पास जो है वो मैनिफेस्ट फाइल है, एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट, ये हमारे पास एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है, सही है। अच्छा स्टार्ट में हमने पैकेज नेम की बात की थी, तो स्टार्ट में हम तो कोई भी पैकेज नेम रख देते हैं एंड बाद में अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने अपना पैकेज नेम चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सही है। उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पैकेज नेम यहाँ पर चेंज करना है, सही है, com.example.antonxmuseum, सही है। लेट सपोज अगर मैं ये पैकेज नेम चेंज करना चाहूँ, इसको मैं क्या करना चाहूँ, लेट सपोज को मैं करता हूँ account.antonx and museum करता हूँ इसको मैं, सही है, account.antonx museum। सो आपने ये जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है ना, इसमें इसको अपडेट करना है, सही है। अच्छा यहाँ पर जो अपडेट हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपने अपडेट करना है यहाँ पर भी, ये देखें com.example था ना पहले ये, अब इसको हम अपडेट करेंगे com. मतलब ये सीन आपने क्रिएट करना है यहाँ पर antonx, सही है। तो ये हो गया com.antonx.museum है ना, तो यहाँ पर इस फोल्डर को का नाम कर क्या होगा, इस फोल्डर को भी आपने चेंज करके इसको म्यूजियम करना होगा, सही है। तो ये असल में इसका पैकेज नेम हमने यहाँ से अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये पैकेज नेम अगर आप अपडेट करना चाहें तो कुछ और जगहों से भी इसको अपडेट करना होता है, बिल्ड और ग्रेडल में
यहाँ पर भी इसका पैकेज नेम है ये, सही है, ये एप्लीकेशन आईडी जो है ये भी आपका पैकेज नेम है, सही है। इसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं दोबारा से, com.antonx.museum, सही है। तो यहाँ पर इसका पैकेज नेम हमने अपडेट कर दिया। अच्छा, दूसरा इसमें कुछ और चीजें हैं, यहाँ पर हमारे पास SDK वर्जन है, मिनिमम SDK वर्जन, टारगेट SDK वर्जन, सही है। मल्टीरेक्स की तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये दोनों चीजें हैं, मिनिमम SDK वर्जन एंड टारगेट SDK वर्जन, सही है। अच्छा, मिनिमम SDK वर्जन का क्या मतलब है? मिनिमम असल में अगर आप देख लें, हमारे पास मुख्तलिफ SDK हैं एंड्रॉयड के, सही है, एंड्रॉयड SDK लिस्ट, अच्छा। और यहाँ पर देखें, हमारे पास एंड्रॉइड 11 है ना, तो उसका जो API लेवल है वो 30, ये हमारे पास ये सेम वही SDK वर्जन है, API लेवल का मतलब SDK वर्जन, सो ये हमारे पास SDK वर्जन का 30 है, सही है। लेट सपोज अगर आपने सपोर्ट करना है, लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपने 4.1 एंड्रॉइड 4.1 को सपोर्ट करना है, तो आपका फिर मिनिमम SDK वर्जन क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम SDK वर्जन 16 होना चाहिए, सही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4.03 को भी सपोर्ट करूँ, फिर आपका SDK वर्जन 15 भी हो, एड में एड होना चाहिए, सही है। अगर मैं इसमें कुछ और बातें भी आती हैं, आपके अक्सर प्लगइन्स जो है ना वो इस लेवल तक जाके इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इतना ज़्यादा नीचे ना जाएं, आप जस्ट 16 तक अगर कर सकते हैं तो 16 तक रखें उसको, जो बाय डिफॉल्ट है जेली बीन जो था, तो उस तक आप इसको रखें, सही है। तो SDK वर्जन आपको आई थिंक समझ आ गई है, अगर इसका SDK वर्जन मिनिमम SDK वर्जन 16 है ना, तो वो SDK वर्जन 15 को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब ये जो APK आप जनरेट करेंगे ना, ये SDK वर्जन 15 पे नहीं चलेगी, सही है। और गूगल प्ले स्टोर में भी वो SDK वर्जन 15 के जो फोन हैं वो आपके APK को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और हमारा जो टारगेट, मतलब ऊपर के जितने भी हैं उसको सपोर्ट करता है, बट नीचे का हमने मेंशन करना होता है कि मतलब बॉटम लाइन हमारा हमारी कौन सी है, बॉटम लाइन हमारी यहाँ पर SDK वर्जन SDK API लेवल जो है ना वो 16 है, या SDK वर्जन 16 है, सही है। तो ये हमारे पास बॉटम लाइन है, टॉप लाइन आप कहीं तक भी जा सकते हैं, टॉप लाइन हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम उसको मेंशन करें, सही है। दूसरा हमारे पास जो है ना टारगेट SDK वर्जन है, टारगेट SDK वर्जन जस्ट मतलब ये है कि ये SDK वर्जन पे, इस SDK वर्जन पे इसको हमने टेस्ट किया हुआ है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका मिनिमम SDK वर्जन है। अक्सर जो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि वो लेट्स सपोज वो 15 को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन केसेस में आपको मोस्टली ये जो SDK वर्जन है इसको डाउनग्रेड करने की जरूरत होती है, या लेट्स सपोज आपके पास कोई प्लगइन है वो SDK वर्जन 16 को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करना होगा, इस SDK वर्जन को आपको अपग्रेड करना होगा, सही है। सो ये कुछ इसमें दो तीन बातें हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि SDK वर्जन क्या होता है हमारे पास, सही है। ये भी डिस्कस हो गया है। ओके, तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट फाइल्स का बता दिया, एक तो पैकेज नेम को अपडेट करना, एक इंपॉर्टेंट फाइल्स का मैंने आपको बता दिया है, SDK वर्जन के बारे में बता दिया, मल्टीटेक्स का तो ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका था। असल में आपका जो APK जनरेट होता है उसमें डेक्स फाइल्स बनती है, तो डेक्स फाइल्स की नंबर ऑफ, उसमें नंबर ऑफ मेथड्स की खास लिमिट होती है, अब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएं तो आपको फिर इश्यूज आते हैं, डेक्सिंग के इश्यूज आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टी डेक्स को इनेबल कर देते हैं, सही है। जब आप मल्टी डेक्स को इनेबल करते हैं तो फिर एक डेक्स फाइल्स की, तो बाय डिफॉल्ट असल में आपका एक डेक्स फाइल क्रिएट होता है, उसकी अपनी एक लिमिट है, 26,000 तक मेथड्स हैं या कितने मेथड्स हैं, तो लेकिन जब आप फायरबेस इंस्टॉल करते हैं तो वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उसके उस इसलिए हमें फिर ये मल्टी डेक्स जो है उसको इनेबल करना होता है। इसमें ये होता है कि फिर आपके पास मल्टी डेक्स फाइल्स बनती है, सिंगल डेक्स फाइल नहीं होती, मल्टीपल होती है डेक्स फाइल्स, तो उसमें आप कोई भी लिमिट डाल सकते हैं। सो मल्टी डेक्स भी हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ओके, दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास लॉन्चर आइकॉन जो है,
लॉन्चर आइकन से मेरा मतलब ये है कि लेट सपोज, असल में मेरा फोन अभी यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा, आपके पास जो फोन का आइकन आ रहा होता है, सॉरी ऐप का आपके फोन में जो आइकन आ रहा होता है, लेट सपोज अगर आपके पास फेसबुक है ना, तो आपके फेसबुक का जो आइकन आपके फोन में शो हो रहा है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल लॉन्चर आइकन, जहाँ से आप अपने ऐप को लॉन्च करते हैं, सही है? सो उसको हम लॉन्चर आइकन बोलते हैं, सही? तो उस लॉन्चर आइकन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है अभी यहाँ पर, सही है? बट राइट नाउ हम जस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड पे जो एपीके है उसकी बात कर रहे हैं, उसका लॉन्चर आइकन हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोसेस मेंशनड है। बट एनी हाउ ओके, यहाँ पर कोई गाइडलाइन वगैरह भी है आइकन के लिए, तो वो आप खुद फॉलो कर सकते हैं। आपको जिसमें मैंने एक टूल के बारे में बताना था, जो आपका आई होप सो कि बहुत आगे बहुत काम आएगा, असल में इसको चाहिए होता है डिफरेंट साइज के आइकन, इसको चाहिए होता है। अगर हम एंड्रॉइड के अंदर चले जाना, एंड्रॉइड सोर्स, इसके अंदर फिर हमारे पास मेन, मेन में आरईएस फोल्डर में चले जाना, यहाँ पर ये देखें आप, मैप मैप एच डी पी आई एम डी पी आई एक्स एच डी पी आई एक्स एक्स एच डी पी आई एंड ट्रिपल एक्स एच डी पी आई, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइकन है। बाई डिफॉल्ट आपका ये एंड्रॉइड का ये आइकन यूज होता है, आप जब इंस्टॉल करते हैं ना फोन, ये देखें हमने जो इसमें म्यूजियम का ऐप इंस्टॉल किया था ना, एंटोन एक्स म्यूजियम, तो उसका हमारे पास क्या आ रहा था, ये आइकन उसमें आ रहा था, तो लॉन्चर आइकन उसका ये है, तो इस लॉन्चर आइकन को हम चेंज कर सकते हैं और उसको भी हम चेंज करेंगे, सही है? तो असल में एंड्रॉइड में ये कि आपका मल्टीपल साइजेस का, फिर हर एक साइज के फोन के लिए, असल में आपके पास जो डी पी आईज है ना, डेंसिटी पर पिक्सल्स इस तरह कुछ आता है इससे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट मतलब तकरीबन वही आता है, डी पी आई डेंसिटी उस तरह का, असल में ये आपको वो पिक्सल डेंसिटी बता रहा होता है क्या, तो ये जो पिक्सल डेंसिटी है हर फोन की वो डिफरेंट होती है, तो उससे रिलेटेड आपके पास जो मल्टीपल आइकन हमने यहाँ पर डालने होते हैं, सही है? अब ये मल्टीपल आइकन डालने के लिए आपको ये एक तो ये कि डिजाइनर आपका जो डिजाइनर है वो आपको बना के दे ये सारे फाइल स्टेप बाय स्टेप, बट देयर्स अ हेक्टिक प्रोसेस टू डू, सही है? तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक आसान तरीके बता सकता हूँ, आप जाएं ऐप आइकन डॉट को पे, सही है, और यहाँ पर अपना एक आइकन अपलोड कर दें, एक मिनट इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ, सही है, या इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, आपने क्या करना है, 1024 का एक आपका जो आइकन है, अब आइकन जो है ना, ये आइकन बनाना आपके डिजाइनर का काम है, आपका जो डिजाइनर है वो आपको आइकन बना के देगा, सही है? तो ये काम उसका है, वो आपको 1024 में एक आइकन बना के देगा और आप वो आइकन आप यहाँ पर अपलोड कर दें, सही है? अब मेरे पास एक आइकन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, इस वीडियो को मैं यूज कर लेता हूँ, सही है? सो जब मैंने ये आइकन यूज किया, इसका साइज कितना होना चाहिए, 1024x1024। अब अपने जिन जिन फोन्स के लिए आपने यहाँ पर इसका जो आइकन है जनरेट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर दें, सही है? राइट नाउ मैं जस्ट कर लेता हूँ उसको आईफोन के लिए एंड एंड्रॉइड के लिए कर देता हूँ, एंड उसको जनरेट करते हैं, तो ये अब इसको मैं जब ओपन करता हूँ ऐप आइकन्स, अब ये देखें ये इसने जनरेट किया हुआ, असल में ये आईफोन के लिए है, सही है? ये जो आइकन जनरेट हुआ है ना, ये आईफोन के लिए है, और एंड्रॉइड के लिए यहाँ पर आपके पास ये जितने भी फाइल्स हैं ना, ये जनरेट हुए ऑलरेडी, सही है? तो आपने क्या करना है, जस्ट इनको कॉपी करके यहाँ से आप यहाँ पर आके इस फोल्डर में, आरईएस के फोल्डर में यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो जो पुराने फाइल्स हैं उसको रिप्लेस कर देगा, सही है? ओवरराइट फॉर ऑल कर दें, तो सारी फाइल्स रिप्लेस हो गई है यहाँ पर, अब ये देखें हमारे पास ये आइकन आ गया है, ये डिफरेंट साइज के आइकन, ये देखें इसकी जो क्वालिटी है वो अपग्रेड हो रही है, सही है? तो लेट सपोज अगर अभी मैं एक नया आईपी के जनरेट करूंगा, तो उसका आइकन जो है ना ये वाला होगा, जो पुराना आइकन था वो नहीं होगा, सही है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एपीके जनरेट करते हैं, एक मिनट, फ्लटर क्लीन, अच्छा फ्लटर क्लीन का जो कमांड है ये यूज होता है आपका जो पुराना बिल्ड जनरेट हुआ है उसको क्लियर करने के लिए,
सही है, फिल्टर क्लीन। तो ये क्या करेगा, आपके जो पुराने बिल्ड जनरेट हुए थे उसको डिलीट कर देगा और आपका नया से फ्रेश बिल्ड जनरेट करेगा। सही है, वो क्लियर हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रन करते हैं। जब मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास जो एपीके जनरेट होता है ना और मेरे फोन में इंस्टॉल होता है वो बिल्ड होता है, वो बिल्ड एपीके होता है, वो रिलीज मोड में नहीं होता। ओके सो हमारे पास यहाँ पर ऐप आइकन्स का भी सीन क्लियर हो गया है। अच्छा, आपके पास ये जस्ट आपको ऐप आइकन नहीं देता, सही है, आपको प्ले स्टोर का आइकन भी बना के देता है, सही है। अब आप जब अब प्ले स्टोर पे अपना अपने एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं तो वहां पर भी उसको एक आइकन चाहिए होता है, सही है। सो उसका अपना एक स्पेसिफिक साइज है तो वो उसी एग्जैक्टली स्पेसिफिक साइज में आपको आइकन बना के देता है, सही है। अदरवाइज आप क्या करना होगा, अपने डिजाइनर को बार बार बताना होता है कि यार मुझे भाई मुझे इस स्पेक्स का मुझे डिजाइन बना के दो, सही है। तो अक्सर वो जो साइजेस हैं उसका मसला होता है। तो अब इस टूल के थ्रू जब आप जनरेट करते हैं तो उसमें आपको साइजिंग का मसला नहीं आता, बस वो एग्जैक्टली आपको सेम साइजिंग का बना के दे देता है और सेम फॉर ऐप स्टोर एज वेल। तो ऐप स्टोर के लिए भी आपको वो एग्जैक्ट सेम तरीकेकार पे आपका एक आइकन जनरेट कर देता है। ये आइकन आप ऐप स्टोर में मतलब iOS ऐप स्टोर में यूज कर सकते हैं और ये आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर में यूज कर सकते हैं, सही है। सो दिस लिटिल बिट अबाउट द ऐप आइकॉन्स एज वेल। सो ऐप आइकन्स का तो हमने कवर कर लिया है कि एंड्रॉइड में आप कैसे करेंगे, सही है। फिर चाहिए डायरेक्टली प्लेस योर आइकन फाइल इन द फोल्डर नेम यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स एंड मिप मैप। असल में ये कोई प्लगइन वगैरह यूज कर रहे थे इसके लिए, फ्लटर लॉन्चर आइकॉन्स कोई पैकेज है वो यूज कर रहा है, सही है। बट लॉन्चर आइकन का पैकेज यूज किए बगैर भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, और तरीका आपको मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने वो कुछ फाइल्स हैं सोर्स और सोर्स के अंदर फिर मेन के अंदर फिर आरईएस एंड आरईएस के जो ये मिप मैप आइकन्स हैं, मिप मैप जिसको आप रिप्लेस कर दें इन फोल्डर्स को, सो आपका जो आपके आइकन जो है ना वो लॉन्चर आइकन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई होप इज क्लियर, लॉन्चर आइकन की बात भी क्लियर है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं साइन इन ऐप पे, सही है। अब साइन इन क्या है, असल में जब आप ये देखें यहाँ पर क्या लिखे हुआ है, टू पब्लिश ऑन प्ले स्टोर यू नीड टू गिव योर ऐप अ डिजिटल सिग्नेचर यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू साइन योर एप्लीकेशन। असल में ये सारी चीजें जो है ना वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आप अपने ऐप को सिक्योर करते हैं, सही है। अगर आपके आपके ऐप के थ्रू जो है ना कुछ क्या क्या उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर होता है तो वो सिक्योरली कुछ सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन के टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है, सही है। तो अगर आपने तो उसमें क्या करना होगा, आपने अपने ऐप को साइन करना होता है, उसको एक डिजिटल सिग्नेचर देना होता है, सही है। मतलब आप कहीं पर भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो वो डिजिटल सिग्नेचर साथ में जाएगा कि ये रिक्वेस्ट जो है ना इस ऐप से आ रही है। सो रिलीज बिल्ड जनरेट करने के लिए आपको फर्स्ट जो है ना वो साइनिंग की डिटेल उसमें डालनी होती है, सही है। अगर आपने अपने एपीके को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो उसको साइन करना जरूरी होता है, सही। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कमांड यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, सही है। इसको आप रन करेंगे अपने अगर आपके पास मैक है तो मैक में इस कमांड को रन करें, और विंडोज पे आप जस्ट CMD में ये कमांड रन कर सकते हैं, सही है। CMD में जैसे आप क्या करेंगे C/users और आप अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल दें, आपके ऐप का जो यूजर नेम है वो आप यहाँ पर डाल दें तो आपके पास वो आ जाएगा, सही है। एंड देन सेम कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से, सही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर, असल में ये असल में ये आपको आपको एक फाइल जनरेट करके देता है key.jks। तो ये फाइल हमारे पास अभी जनरेट हो जाएगी, सही है। इसको मैं रन करता हूँ, असल में ये आपसे एक पासवर्ड लेता है, सही है।
की स्टोर पासवर्ड जो है ना आपने अपने साथ नोट करना है, 1 2 3। अब यहां पर मैंने पासवर्ड दिया है इसको की स्टोर डिटेल्स, इसको मैंने पासवर्ड दिया है पास 1 2 3, सही है। तो ये आपको याद होना चाहिए, सही है। री एंटर द पासवर्ड, सो पास 1 2 3, योर फर्स्ट नेम इज हारून खान, स्टेट केपी कंट्री कोड, सही है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये कोई असल में कोई इशू आया था दरमियान में, इसको क्लोज करते हैं, सही है। इसको क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्लियर। कमांड दोबारा से रन करते हैं, पास 1 2 3, पास 1 2 3, रूम नेशन एंटोन एक्स सिटी पेशावर, टू लेटर कंट्री कोड फॉर दिस यूनिट, ओके। अच्छा वो तो ऊपर उसने कुछ डिटेल्स ले लिए हैं, जनरेटिंग आर एस ए की पीयर एंड सेल्फ साइन सर्टिफिकेट विद द वैलिडिटी ऑफ 10,000 डेज। सो अच्छा अब यहां पर ये क्या लेगा, एंटर एफ सेम की स्टोर पासवर्ड, रिटर्न एफ सेम की स्टोर। आप ऊपर हमने जो पासवर्ड दिया है अगर आपने उसे सेम वही पासवर्ड यूज करना है तो आप एंटर दबा दें, अदरवाइज आप नया पासवर्ड यहां पर दे सकते हैं, बट मैं सेम पासवर्ड यूज कर रहा हूँ ऊपर जो मैंने दिया था। सो इट इज रिकमेंडेड टू माइग्रेट विच इज इन द, अच्छा अब इसने कहां पर मेरा जो की स्टोर है वो जनरेट किया है ये देखें, /eapple/key.jks, सही है। तो यहां पर अभी मेरे पास ये ई एप्पल के अंदर ये देखें की डॉट जे के एस यहाँ पर आया हुआ है, सही है। तो इसको आप उठा के इसको आपने एक सिक्योर प्लेस पे रखना है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पर एंड्रॉइड की एंड इसको मैं शटर B2 शटर B1 की इसको मैंने यहां पर डाल दिया है, सही है। ओके हमारे पास की जनरेट हो चुका है, तो आपने उस की को क्रिएट रेफरेंस टू द की स्टोर फ्रॉम द ऐप, सही। अब हमने करना क्या है, अब हमने अपने एप्लीकेशन डायरेक्टरी में जाना है, उसमें एक फाइल क्रिएट करना है की डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से, सही है। तो अभी हम यहां पर आएंगे, ओके पर्सनली बुक, ओके नो मैचिंग क्लाइंट फॉर, असल में यहां पर पैकेज नेम में हमने कोई इशू किया है तो उसकी वजह से वो पैकेज नेम असल में बाद जगह पे हमने चेंज किया था और बाद जगह पे चेंज नहीं किया था तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आया है, बट एनी हाउ आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अब इसके बाद हमने करना क्या है, एंड्रॉइड के अंदर आके यहाँ पर हमने एक फाइल बनाना है की डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से, सही है। ये देखें एप डायरेक्टरी स्लैश एंड्रॉइड की डॉट प्रॉपर्टीज, सही। तो की डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से हम एक फाइल बनाते हैं, यहां पर राइट क्लिक न्यू फाइल कोटलिन डॉट, जस्ट एक फाइल बना दें एंड उसको आप ये नाम दे दें की डॉट प्रॉपर्टीज, एंड की डॉट प्रॉपर्टीज में आपने क्या करना है ये सारी इसको आप कॉपी करके उसमें डाल दें,
यहाँ पर हमने क्या डालना है, पासवर्ड, पास जो हमने वहां पे दिया था, पास 1 2 3 मैंने दिया था, सही है, की पासवर्ड भी सेम था, पास 1 2 3 एंड की आप उसको की ही रहने थे, सही है। यहाँ पर आपने असल में वो की डॉट जो जो JKS था ना उसका उसका लोकेशन देना है, सही है। तो मेरे जो लोकेशन क्या था, असल में वो लोकेशन ढूंढ लेता हूँ फर्स्ट, PWD CG-LS, ओके वो एक मिनट, CG-LS डॉक्यूमेंट्स में था, सॉरी सी डॉक्यूमेंट्स एलएस एंड इसमें क्या था एंड्रॉइड की, सीडी एंड्रॉइड की, एंड ओके मैंने एंड्रॉइड किस पे लगा दिया, एंड्रॉइड की एलएस फ्लटर बैच 1 एंड की सीडी कर लेंगे, ओके सो मार ये की है, ये की हमने यूज करनी थी, सही है। तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उठालेंगे यहाँ से, ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, इसको की यहाँ पर डालना है स्लैश की डॉट JKS। So, इस तरह हमारे पास ये की डॉट प्रॉपर्टीज का फाइल भी क्रिएट हो गया है, सही है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन करनी है बिल्ड डॉट ग्रेडल में, लेकिन बिल्ड डॉट ग्रेडल कौन सा है, ऐप लेवल का जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, सही है, प्रोजेक्ट लेवल का नहीं, ऐप लेवल का बिल्ड डॉट ग्रेडल, सही है। तो ऐप लेवल का बिल्ड डॉट ग्रेडल हमारे पास कहाँ पर है, एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर, ये आपका ऐप डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल है, सही है। सो ये हमारे पास ऐप डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल है, तो ये क्या है, एड द कोड बिफोर एंड्रॉइड ब्लॉक। अच्छा हमने करना क्या है, जस्ट ये कोड जो है ये उठा के ये एंड्रॉइड का जो ब्लॉक है उससे पहले डाल देना है, सही है। यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉइड का ब्लॉक ये है, तो यहाँ पर हमने ये कोड डाल देना था, सही है। बाकी फाइल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, की डॉट प्रॉपर्टीज का जो फाइल है ये है ना, ये ऑटोमेटिकली सारा डाटा यही की डॉट प्रॉपर्टीज से खुद उठाएगा, सही है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्ड टाइप्स के ब्लॉक में आके यहाँ पर आप देखें साइन इन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, साइन इन कॉन्फ़िगरेशंस डॉट डिबग है, सही है। तो साइन इन कॉन्फ़िगरेशन डॉट डिबग को हमने चेंज करके क्या करना होगा, ये इन्फो हमने इसमें डालना है, सही है। ये एक हम इसमें साइन कॉन्फ़िग्स डालेंगे, ये साइन कॉन्फ़िगरेशन जो है, सही है, इसको आप यहां से कॉपी करें। ये आप इस पूरे फाइल को ना, इस पूरे फाइल को बिल्ड टाइप्स जो है इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दें इस पर, सही है। इसको हम कॉपी करके यहां से जो बिल्ड टाइप्स थी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको यहां से आप रिमूव करके, अभी ये देखिए हमारे पास का डिबग टाइप कौन सा है, सॉरी बिल्ड टाइप कौन सा था, डिबग था, सही है। So, यहाँ तक हमारी इसकी ये सेटिंग्स भी हो गई है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। एंड देन फॉर मोर इंफॉर्मेशन development.android.com। अच्छा इसमें हमारे पास फिर है श्रिंक यूर कोड विद R8। असल में श्रिंक श्रिंक हम यूज करते हैं कि आपका कोड आपकी आपका जो कोड साइज है उसको कम करने के लिए। तो राइट नाउ आप श्रिंक कर, आपको श्रिंक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट्स इनफ राइट नाउ। असल में R8 जो है ना ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट इनेबल होता है, सही है। तो वो आपका कोड ऑटोमेटिकली श्रिंक कर देता है। अगर आपको कहीं पे मसला आ रहा है, कुछ फाइल्स मिसिंग है, तो उसके लिए फिर अगर आपका कोई रिलेवेंट इशूज हैं तो उसको हम देख सकते हैं राइट नाउ। ये जो है ना ये इसी तरह काम करेगा, सही है। अच्छा अभी हमने APK जनरेट करना था ना, तो अभी हम क्या जनरेट करेंगे, फ्लटर बिल्ड APK। तो फ्लटर बिल्ड APK हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाए यहाँ पर इस टर्मिनल में कर देंगे क्योंकि ये असल में उसी प्रोजेक्ट के अंदर है। फ्लटर बिल्ड APK रन करेंगे तो ये हमें क्या क्या जनरेट करेगा, ये हमें एक रिलीज APK जनरेट करके देगा, सही है। असल में इसका काफ़ी टाइम लगता है APK जनरेट करने में, 5-10 मिनट लगते हैं, तो उस वजह से हम इसका ज़्यादा वेट नहीं कर सकते।
यहाँ से आप इसको रन करेंगे ना, जब आपका एपीके जनरेट हो जाएगा तो डाउन बिलो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो है ना एपीके या एप बंडल आपको क्रिएट हो चुका है, और इस डायरेक्टरी भी आपको बता देगा कि इसकी डायरेक्टरी कौन सी है। सो सॉरी वन मिनट। ओके सो यहाँ पर हमारा कोई इशू आ रहा था वो उसका पैकेज नेम का। सो देर इज कॉम डॉट एंटॉन एक्स स्लैश डॉट म्यूजियम। सो ये तो हमारे पास ठीक है, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट में लिखते हैं, देखते हैं। so, ये भी सेम है। अच्छा बिल डॉट ग्रेडल तो इसमें इसमें ड्राइविंग नहीं होती, सही है। यहाँ पर भी सेम है, एंड यहाँ पर भी सेम है, कॉम एंटोन एच एंड म्यूजियम एम यू एस ई यू एम। असल में बस यहाँ पे स्पेलिंग्स का मसला होता है, तब आपको इशू आ रहा होता है। ये तो ठीक है, इसमें तो मसले नहीं है। चलें एक बार और ट्राई करते हैं ना, शटर बिल्ड एपीके। तो यहाँ ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक एपीके जनरेट करके देगा, सही है। अगर आपने एप बंडल जनरेट करना है तो आप एप बंडल भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखें ये क्या कह रहा है आपको, इफ यू आर डिप्लॉयिंग टू एप्पल प्ले स्टोर इट्स रिकमेंडेड टू यूज एप बंडल स्प्लिट एपीके टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर एपीके साइज, सही है। सो यह हम स्प्लिट एपीके यूज कर सकते हैं। ये देखें फ्लटर बिल्ड एपीके, अगर आपने स्पेसिफिक टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए जनरेट करना है ना, तो ये देखें डैश डैश टारगेट प्लेटफॉर्म, और उसके बाद आप जो है ना वो जो जो डिफरेंट वो है आर्किटेक्चर है वो आप मेंशन कर दें। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक एंड्रॉयड डैश ARM है, एंड्रॉयड ARM 64 है, एंड्रॉयड X 64 है, और यहाँ पर फिर आप स्प्लिट पर API। ये हमारे पास एक और ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास फ्लटर बिल्ड एप बंडल्स हैं। तो आप एप बंडल से डायरेक्टली भी अब अपना एप बंडल क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जो मेन प्रोसेस है वो क्लियर है यहाँ पर आप सबके लिए। अभी हम देखते हैं कि हमारा एपीके सक्सेसफुली जनरेट होता है या नहीं होता। अगर सक्सेसफुली जनरेट नहीं होता तो फिर हम उसकी मदद देख लेते हैं। बट सो दैट्स हाउ आवर प्रोसेस इज। ओके सो मसला ये था कि हमने यहाँ पर ये जो गूगल सर्विस डॉट json डाला हुआ है ये पुराने उसके लिए था। ये देखें ये पुराने पैकेज नेम के लिए था। तो ये देखें ये पुराना पैकेज नेम है इसमें, तो उसके लिए था, तो उस वजह से ये मसला कर रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट को रिमूव कर दिया है मैंने फायरबेस से, एक नया इसमें ऐप दोबारा से ऐड करता हूँ, एंटोन एक्स म्यूजियम। मैं उसको साइन की है, रजिस्टर करते हैं इसको, ये डाउनलोड करके डाउनलोड हो गया है। ओके इसको यहाँ पे कॉपी करके इतने इसको ओपन ओपन हो गया है। अच्छा बस जस्ट इसकी जिसका जो कंटेंट है ना ये यहाँ पे कॉपी करके इसमें डाल दें, इसका जो कंटेंट है ना ये चेंज कर दें। ये कंटेंट चेंज कर दिया है तो अभी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिल्टर क्लीन एंड उसके बाद
लेट अस बिल्ड ऐप, पी के करते हैं इस बार, हम ऐप बंडल करते हैं, ऐप बंडल जनरेट करते हैं, सही है? बस वो क्लीन करेगा एंड उसके बाद हमारा ऐप बंडल जनरेट करेगा. सो दिस इज द मेन प्रोसेस हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ऐप बंडल क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारे पास रिलीज था, और उसका उसकी जो डायरेक्टरी है वो भी यहाँ पर मेंशनड है. ये देखें आपने कहा क्या करना है, आप इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे, हम उसके बाद बिल्ड में, आउटपुट में, ये आपको मैं दिखाता हूँ. सो अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट था एंड इस प्रोजेक्ट का नाम था फ्लटर कोड पैच 1 एंड एंटोन एक्स म्यूजियम. अच्छा, इसके अंदर बिल्ड, बिल्ड के अंदर ऐप, ऐप के अंदर फिर हमारे पास क्या है, आउटपुट्स हैं या रिलीज, सॉरी बंडल. ओके, सो अच्छा आउटपुट्स में जाना है, आउटपुट्स में, आउटपुट्स के बाद फिर हमारे पास बंडल है एंड बंडल के बाद रिलीज है, रिलीज ऐप रिलीज डॉट ए ए बी. तो ये आपका जो है ना अब इसका साइज क्या है, 18.5 MB है टोटल साइज जो है. सो जबकि आपका आपका जो बंडल का साइज है वो 17.6 MB है. अब इसमें ये सिंगल एपीके नहीं है, इस ये हमारे पास ऐप बंडल है, ये आप प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे तो उसको वो डिफरेंट एपीके में डिवाइड कर देगा. तो आपके पास जो एक एपीके का साइज आएगा बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो वो तकरीबन 7 to 8 MB आपके एक एपीके का साइज आ जाएगा, सही है? सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऐप बंडल, सही. सो दिस इज द होल प्रोसेस. अगर आप यहाँ पे एपीके जनरेट करते हैं, फैट एपीके जो है, तो फैट एपीके में फिर ये है कि उसका साइज भी तकरीबन इतना आता, तो बट जब आप उसको अपलोड करें तो उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, जबकि ये जो ऐप रिलीज डॉट ऐप बंडल है ना, इसको गूगल प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली जो स्मॉल एपीके साइजेस हैं उसमें स्प्लिट कर देता है. सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्क. सो आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर. So all these things were our part of our today's agenda, and that's all we have for this course. I hope so ke shayad kuch cheeze humne discuss na ki no, but hamare paas asal mein time bhi limited tha and resources bhi limited the. So that's how we did and we completed this course. Now if you have any question or suggestions, most welcome. But that's all we have for this session. Thank you so much.